जैसे मैं दिखाया था कि ड्यूरेसेल बैटरी लीक होके ये सब उसका डिस्चार्ज है, और ये एरिया देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा कर दिया, ये पूरा ख़राब कर दिया। कुछ यहाँ पे स्टिकर डालूँगा, ये भी काफ़ी पुरानी है, बट ऐसे घड़ी या जब भी आप यूज़ करते हो वॉल क्लॉक्स, ये ख़राब नहीं होते, आपको ये खाली इंजन चेंज करना पड़ता है। मैं अभी आप लोगों को ये खोल के दिखाऊंगा, और ये देखिए चारों तरफ बैटरी की वाटर, बैटरी के वाटर मतलब एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो ये पूरा का पूरा, अभी इसको खोल के देखते हैं, इसका अगर इंजन सही है क्लीन करने पे अगर ये ठीक हो जाएगा, या मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालूँगा इसमें। ये वारंटी में था 2019 का ये इंजन है, अब देख सकते हो वारंटी, 1 ईयर का वारंटी मिलता है कहीं से भी ये ख़रीदते हो, 150 रुपया होता है ये दिल्ली NCR में। तो अभी मुझे ये सब खोलने पड़ेंगे चार, तो ये शीशा निकल जाएगा और इस इंजन को बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे। स्क्रूस निकाल दिया ये चार, और ये इंजन आउट हो गया। अब हम इसको निकालेंगे, ये जो वोल्ट है और ये जो मिनट सेकंड एंड आवर, ये जो सुइयां हैं इसको निकाल देंगे, इनको निकाल देंगे। सुइयां निकाल दिया, और ये भी लूज कर दिया, निकाल देता हूँ गाड़ी को। ये पूरा करोजन का स्मेल है, पूरा एसिड का स्मेल है यहाँ पे बैटरी की, जो आप लोग फील नहीं कर रहे होंगे, मुझे बहुत एसिड स्मेल है, एसिड भी है अभी भी। तो मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगा के, ये एक बार खुला गया था शायद, मैं ही रिपेयर किया था, सील इज़ ब्रोकन। अब देखिए ऑलरेडी मैं एक बार शायद इसको खोल के फिक्स किया था, या देखा था, देख के रख दिया था, ऐसे कुछ है। फ्रेंड्स मैं कभी कभी ऐसे चीज़ें करता रहता हूँ, खोल के फिर रख देता हूँ, चेक करता रहता हूँ डिवाइसेस को। ये देखिए ये कितने बुरी तरह से, ये पूरा एसिड जैसे बैटरी के टर्मिनल में होता है वैसे वाला है। ये थोड़ा रिस्की है, आप लोग ये देखिए पूरा बैटरी की जो पानी है, मतलब एसिड ही है वो, पानी तो नहीं होता। ये देखिए अभी भी है इसमें, इस पेपर को मुझे निकाल के साफ करना पड़ेगा, इस पेपर को देखता हूँ मैं निकाल पाऊँगा या नहीं। चलिए खाली इस यूनिट को रखते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। अब इसमें बैटरी डाल के देखते हैं कि इसमें वो वाली वाइब्रेशन है कि नहीं, मतलब जर्क, ऐसे जर्क होना चाहिए। ये क्लिक वाला घड़ी है ये, तो इसको खोलता हूँ मैं। खोलने के बाद हो सकता है ये काम भी कर रहा हो, चेक करेंगे। ये थोड़ा अलग डिज़ाइन है इसका, बट चेक करेंगे। ये साफ करेंगे इसको फिर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, अगर भी शॉर्ट सर्किट है कहीं पे तो वो क्लीन हो जाना चाहिए। अगर ये ख़राब हो गया कॉइल कैपेसिटर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे लग रहा है कि ये पूरी तरह से अंदर भी फैल गया है, बैटरी का जो वाइट वाइट सब्सटेंस है। खोल चुका हूँ मैं एक बार, देखते हैं इसको फिर से खोलता हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें चार लॉक नहीं है,
पिछले वीडियो में दे उस घड़ी में था, ये यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक और इधर एक, चार। लेकिन इसमें लग रहा है इसमें तीन ही है जो मुझे विजुअली दिखता है, एक दो और तीन। आपको भी दिखा सकता हूँ मैं, एक इधर है, एक इधर है ब्लैक वाला, ये ऊपर का ढक्कन, वारंटी जहां पे लिखा है। ऊपर का कुछ और है लेकिन लॉक नहीं है। चलिए कोशिश करता हूँ खोलने की। खोल दिया मैं, ये थोड़ा इजी था। और जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, इसमें खाली एक गियर है जो अटैच्ड है, और ये हमारा इंजन। ये सेकेंड हैंड है, इसको पहले निकाल देंगे। लंबा रॉड है ये नॉर्मली, जिसमें सेकेंड हैंड लगता है उस तरफ। और ये ऐसे रहता है, उधर रख दिया मैं, फोकस कर देता हूँ। फिर यहाँ देखते हैं, इस व्हील को देखते हैं जो वाइब्रेशन यही देता है। जब साफ करेंगे, ये सारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालेंगे और साफ करेंगे। अब सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ क्या ये वर्किंग है या नहीं। कैसे पता लगेगा, अगर इसको रखेंगे तो ये वाइब्रेट करना चाहिए। मैग्नेटिज्म तो है लेकिन वाइब्रेशन नहीं है, तो ये हो सकता है ये एसिड के वजह से शॉर्ट सर्किट है कहीं पे। तो इसको पहले वॉश करेंगे, फिर इसको इसमें रखेंगे, शायद ये काम भी कर सकता है। हो सकता है ये जो एसिड है जाके टर्मिनल्स को, कैपेसिटर को, ये सब को शॉर्ट कर रखा है। तो मैग्नेट है इसका, लेकिन वाइब्रेशन होना चाहिए कॉइल से, कैपेसिटर के वजह से। ये तो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, बट वाइब्रेशन आना चाहिए कॉइल से। इस मैग्नेट को वो घुमाना चाहिए करंट। हो सकता है ये डेड हो गया, देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहले तो इसको साफ करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, सारा का सारा। ये एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम है, गियर में प्रॉब्लम नहीं है। तो
जब इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक हो जाएगा हम तभी गियर को साफ कर लेंगे, आइसोप्रोपाइल स्प्रे करके ठीक हो जाएगा ये। आइसोप्रोपाइल से क्लीन करते हैं अभी इसको। After washing in sodium bicarbonate and water, I am keeping this for keeping it dry for some time. इसको ड्राई करके रखते हैं मीठी सोडा के साथ मिला के पानी में धोने के बाद, फिर खाली पानी में धोने के बाद इसको ड्राई करते हैं। इसका कॉयल और कैपेसिटर ये दोनों शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको ड्राई करेंगे, अगले दिन देखेंगे। थैंक यू। अभी इसको अलग अलग करके देखते हैं, मुझे लग रहा है ये सूख गया है। पहले सेकेंड हैंड, इसको निकाल दिया, ये ऐसा अंदर जाएगा और ये इधर रहेगा और ये इसको स्टड का काम करेगा, ये लास्ट वाला स्टड ये इसके अंदर जाएगा। हमें इसको चेक करना है अभी, इसमें क्लोजअप दिखाता हूँ मैं। जो वायर है, कैपेसिटर है, जो दो वायर है वो जुड़ना नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है जुड़ा हुआ है। दोनों वायर बैटरी से आ रहा है, कॉइल कॉइल का है कंटिन्यूटी, उसको देखना पड़ेगा। और एक चीज है, ये जो दो पॉइंट है ये पॉइंट और ये, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ये दो यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, तो सप्लाई यहाँ पहुँचेगा और इन दोनों को सप्लाई देगा। पहले तो कॉइल चेक करेंगे, फिर ये कॉन्टैक्ट्स बैटरी का नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। साफ कर लिया इसको इसको इसको, अब इनको रखते हैं। पहले तो इसको, ये भी साफ कर लिया मैं, दो कॉन्टैक्ट पॉइंट ये और ये, नेगेटिव पॉजिटिव, बोर्ड पे कनेक्ट होगा यहाँ पे। ये दो पॉइंट का कांटेक्ट होना चाहिए, फिर इसको इसमें रखते हैं।
का पानी है, इसको रख दिया ठीक से। बाकी का काम वो जो प्लास्टिक है और जो लॉजिक बोर्ड है उसमें, ये बाकी का काम करेंगे। नीचे का ये स्क्रैच भी कर दिया थोड़ा, स्टील प्लेट जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैटरी के दो टर्मिनल है वो लॉजिक बोर्ड में दो टर्मिनल में कनेक्ट होंगे। यहाँ तक ठीक है। रख दिया वहां तक। अब ये लॉजिक बोर्ड को क्लीन करते हैं। ट्रैक कट गया ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा कुछ होगा तो ये काम नहीं करने वाला। लेट्स सी। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रैक कटा हुआ है। काम नहीं करेगा ये। अभी मीटर से चेक करेंगे, चेक करके बताता हूँ मैं। कंटिन्यूटी पे रखा हूँ। इसका कॉयल ठीक है, कंटिन्यूटी आ रहा है 192 ओम्स आ रहा है। कैपेसिटर का कोई गारंटी नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है ट्रैक कट गया है इसका। यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ेगा हमें। ये दो पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट है, और सोल्डरिंग बिठाएंगे तब जाके वो स्टील को कनेक्ट करेगा। लगाता हूँ मैं सोल्डरिंग। फ्रेंड्स ये एक फेलियर है। मैं ट्रैक को जॉइंट करने की कोशिश की लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, ट्रैक और कटता जा रहा था। ये देखिए जो ज़्यादा सोल्डरिंग डाला हुआ है ये नेगेटिव ट्रैक है जो कटा हुआ दिख रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा थोड़ा ये वाली, ये सक्सेस तो हुआ लेकिन कॉयल भी कट चुकी है और ये रिपेयरेबल नहीं है। मैं जैसे कर रहा था आप लोगों को, ये दूसरा इंजन डाल के ठीक करेंगे इसको। अभी यहाँ तक हमें पता है ऐसे रखना है, और इसके बाद ये लॉजिक बोर्ड, ये प्लास्टिक रखना है। मैं रखता हूँ, रख दिया। आप देखें ये सारे ऐसे ही रहेगा। अगर लॉजिक बोर्ड ठीक होता तो अब तक ये ठीक हो जाता। फिर इसको रखिए आप मैग्नेट को।
ये रखिए और यहाँ पे ये गियर को नीचे रख के ऐसे रखिए, फिर आपको पता है ये ऐसे रहेगा। ये हो गया हमारा सेटअप। जब ये वाली मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट वाइब्रेट करेगा तो ये इस वाली व्हील को घुमाएगा, फिर ये सेकंड घूमेगा, फिर ये मिनट, फिर इसके नीचे है आवर। ऐसे करके आप ठीक कर सकते हो। ये हमारा टाइम सेट करने का व्हील है, गियर है, नीचे इसका ग्रारी है, वो जाके नीचे आवर को घुमाएगा या मिनट को घुमाएगा, तो आवर को भी घुमाता है। ऐसे फिट कर देते हैं इसको। फिर दबा देना, फिट कर लिया। अब ये इसका सिर्फ गियर हम यूज़ कर सकते कहीं पे। ये कॉयल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इसका है पूरा वेस्ट हो गया है, बाकी ठीक है। ये प्लास्टिक वाला जो है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक है कॉयल, किसी दूसरा का डाल के उसको ठीक कर सकते हैं हम इसको। बट इतना कोई नहीं करे, ये 100 रुपया 150 रुपया में ख़रीदो दूसरा और घड़ी ठीक हो जाती है उसमें। सोल्डरिंग करके फेल्योर हो गया क्योंकि वो ट्रैक ही पिघल गए, और मैं अभी एक नया मशीन बैटरी के साथ, पैनासोनिक बैटरी, ये हुआ मुझे 100 रुपीज़ 1 ईयर वारंटी के साथ, यहाँ पे लिख के दे दिया है। तो ये बढ़िया मेथड है कि आप बस एक इंजन ले लो और रिपेयर कर लो, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी है तो अंदर जाके देख सकते हो जैसे मैंने किया। थैंक यू। अब इसको फिट करते हैं और घड़ी तो रेडी हो जाएगा। वो पेपर जो एसिड लग गया उसमें, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, शायद उसको मैं निकाल दूंगा पूरा ही पूरा, देखता हूँ जो अच्छा लगे। अब आप सुन सकते हो और आज का डेट है 8/10/2022 चल रही है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से साफ कर लिया डिटर्जेंट से। ये तो प्लास्टिक का है, यहाँ पे एक सर्कुलर कुछ लगाएंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते। और ये शीशा भी साफ कर लिया। चलिए देख, मैंने येलो कलर चूज़ किया, हाइलाइटर कलर, क्योंकि इसके सुइया जो है ब्लैक है। तो 4 सेंटीमीटर के एक सर्कल बनाएंगे और इसको काट के फिक्स कर देंगे वहाँ पर। जानते हो मैं ये इंजन खरीद के लाया क्योंकि वो ये ट्रैक खराब हो गया इसका, सर्किट बोर्ड का, और चल नहीं रहा था। ये इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये आज की डेट में देखिए 8 तारीख अक्टूबर, 1 ईयर का गारंटी, 100 रुपये बैटरी के साथ, और मैं ऐसा एक डिज़ाइन कर दिया। इसको अभी फिट कर देंगे। फिट कर दिया अभी, आप देख सकते हो ये पैनासोनिक इसके साथ ही आया था।
चलिए ग्लास रखते हैं इसके। सुई लगाने के बाद ग्लास रखते हैं। लगा दिया। अभी देखना है ये 6 बजे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं। होना चाहिए वैसे। स्क्रू भी टाइट कर दिया। चार स्क्रू थे, 1, 3, 4। अब इसको टांग देते हैं। अब मैं दीवार में टांग दिया। अब देखते हैं ये 5-7 मिनट के बाद 6 बजता है या नहीं और सीधा लाइन है कि नहीं। छः बज गया है, आप देख सकते हो ये है एक्यूरेट तो है, सीधे लाइन में है।